हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान मेमन और आप देख रहे हैं अपना सागर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रीलेक ग्रेन्यूल के बारे में, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है, कब्ज़ के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको दोस्तों, कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरा वॉच करें, ताकि इसमें मैं पूरा रिव्यू दूँगा आपको। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये है फ्रीलेक ग्रैन्यूल्स, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो यूज होता है। देखिए, जेंटल एंड इफेक्ट द रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए यूज होता है। तो ये देखिए, ऑरेंज लेमन फ्लेवर में है। तो लैक्टिरोल मोन हाइड्रेट एंड इसबुल हर्स ग्रैन्यूल, ये कॉम्बिनेशन इसमें यूज होता है। तो ये देखिए, कॉम्बिनेशन का जो ग्राम्स यानी ग्रैन्यूल्स, देखिए 15 ग्राम ग्रैन्यूल्स कंटेंट्स इन द 10 ग्राम्स। और ये देखिए, लैक्टोरिल मोनाइड्रेट, ये दोनों चीज़ों इसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। 15 ग्राम ग्रैन्यूल कंटेंट द लैक्टोरिल मोनाइड्रेट यानी 10 ग्राम्स यानी कि 10 ग्राम्स, और इसबुल हस्क यानी कि 3.5 ग्राम्स इसके अंदर डाला गया है। तो ये देखिए, ये चीज़ है इंडिकेशन फ्री द इंडिकेट फॉर द तो ट्रीटमेंट फॉर ऑफ द कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी कि कब्ज के लिए। आपको कब्ज की तकलीफ रहती हो तो इसे, ये देखिए, ये तो ये जो स्टूल को यानी कि इजी करता है, यानी कि पास आउट करता है, यानी कि आपके जो कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ है इसको रिलीव करता है, और जो इसको इजीली पास आउट कर देता है। तो ये देखिए, इसमें दिया हुआ है 50 ग्राम्स ग्रैन्यूल्स, 15 यानी कि 15 ग्राम ग्रैन्यूल ऑन मेजरिंग स्कोप ऑफ द वंस टू ट्विस्ट डेली, और ऐसे डायरेक्ट बाय द फिजिशियन की सलाह के अनुसार लेना है इसको। तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपको ये 1 या 2 टाइम्स दिन में लेना है, यानी कि आपको रात को लेना है सोने के टाइम पे, तो इसमें जो है सुबह में जो कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ़ है वो इसमें नहीं होगी। तो ये देखिए, एड वन ड्राई द मेजरिंग स्कोप ऑफ द फ्रीलेक टू ए द ग्लास ऑफ द वाटर, वाटर के साथ लेना है, स्ट्रिप ब्रिस्कली एंड कंज्यूम द कंटेन इन द इमीजिएटली फ्लो इट द ऑफ द विद द ग्लास ऑफ द वाटर। यानी कि इसको आपको एक ग्लास में डाल के 15 ग्राम ग्रैन्यूल्स लेना है। देखिए, फ्रीलेक शुड नॉट बी द एडमिनिस्टर पेशेंट्स विद इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द फेकल इंफेक्शन इन कॉलोनिक इन एटोनी और द नाउ इन हाइपर सेंसिटिव ऑफ द इसबुला हर्स इज द लैक्टोरिल, और कीप द मेडिसिन आउट इन रीड द चिल्ड्रंस, यानी कि इसको बच्चों से दूर रखना है। तो दोस्तों, ये है फ्रीलेक के बारे में मैंने बताया आपको। तो ये देखिए, इसका जो डोज यह लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इसकी जो वार्निंग दिया हुआ है, देखिए, टू बी सोल्ड बाय द रिटल ऑन मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि इसको आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर लेना है, इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको एडवाइस के साथ लेना है। देखिए, स्टोर एट द टेम्परेचर बिलो द 30 सेल्स एंड प्रोटेक्ट फॉर द मॉइस्चर एंड रिप्लेस द लाइट द टाइट आफ्टर यूज, यानी कि आपको स्टोर जो है इसको 30 सेल्सियस डिग्रीज के बिलो यानी कि नीचे रखना है, इससे ऊपर की गर्मी में इसको नहीं रखना है, और इसको प्रोटेक्ट द मॉइस्चर यानी कि भेज वाली जगह पर इसको नहीं रखना है, और यानी कि यूज़ करने के बाद इसको फिट आफ्टरली टाइट कर देना है इसको। तो ये देखिए, इसकी जो MRP है ये 1950 यानी कि 195 रुपये इसमें है लिखा हुआ है, 1955। तो आप ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर से ले सकते हैं इसे, लिफोर्ड हेल्थ केयर, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर। तो ये देखिए, ये दोस्तों, ये जो है इसके अंदर जो लैक्टोरिल मोनहाइड्रेट और इसबुल हस्क है, इसका काम है जो आपके जो कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होती है, इसको स्टूल को सॉफ्ट करना काम होता है इसका, सॉफ्ट और इजी आउट, यानी एक आपके इंटेस्टाइन और मुँह से आपको आराम से इसको इजी पास आउट निकल जाता है। तो इससे जो आपको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, गैस की, और जो यानी कि आपको पेट फूलने की और जो डकारों की जो तकलीफ है, ये सब में आराम मिल जाता है, और इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है।
तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।